प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नमो ऐप के जरिए देशभर के डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का शुरू से ही विकल्प रहा है देश के सामान्य व्यक्ति, युवाओं, ग्रामीणों को डिजिटली जोड़ना। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सरगना मुल्ला फजलुल्ला को ड्रोन हमले में मार गिराया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के पूर्वी कुनार प्रांत में आतंकी मुल्ला को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना के एक अधिकारी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इस बात की पुष्टि की है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार और राइजिंग कश्मीर के संपादक सुजात बुखारी और उनके पीएसओ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने सुजात बुखारी के कार्यालय के बाहर उन पर हमला किया। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने दफ्तर से बाहर इफ्तार पार्टी के लिए निकल रहे थे। हमले में घायल एक और पुलिसकर्मी की बाद में अस्पताल में मौत की खबर है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने अपनी कायरता का एक और परिचय देते हुए ईद की छुट्टी में घर जा रहे भारतीय सेना के एक जवान का अपहरण कर हत्या कर दी। सुबह जवान को अगवा किया गया था, जबकि पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने बड़ी बर्बरता से गोली मारकर पत्थरों से सिर कूच कर उसकी हत्या कर दी। शव को पुलवामा के गोसू से बरामद किया गया है। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी प्रणाली में कारोबारी अब अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी बदल सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसके लिए जरूरी अनुमति दे दी है। ये अनुमति हजारों ऐसे छोटे बड़े कारोबारियों के अनुरोध पर दी गई है जिन्होंने अपना जीएसटी पंजीकरण खुद नहीं कराया है। धूल के गुबार से परेशान दिल्ली एनसीआर में हालत गंभीर है। दिल्ली में कई जगह तो प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि यहाँ प्रदूषण नापने की मशीन भी फेल हो गई है। दिल्ली में एयर इंडेक्स 431 दर्ज हुआ है। पिछले चार दिनों से उपराज्यपाल के घर पर धरने पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लड़ाई में अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कूद पड़ी हैं। गुरुवार शाम सुनीता केजरीवाल अपनी सास, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की पत्नी के साथ उपराज्यपाल के घर की ओर जाती दिखी। वहाँ उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोका भी। सीमा पार से जारी फायरिंग और आतंकी हमलों के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि रमजान के बाद सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करने की पूरी छूट होगी। वहीं केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को चाक चौबंद करने में जुटी है। ब्रिटेन सरकार अपने यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए भारतीय डॉक्टरों के लिए वीजा नियमों को आसान बनाने जा रही है। अमेरिकी गृह मंत्री साजिद जावेद शुक्रवार को यूके की वार्षिक वीजा सीमा 20,700 से यूरोपियन यूनियन के बाहर के देशों से डॉक्टर्स और नर्सों को बाहर रखने की औपचारिक घोषणा करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक टेस्ट मैच बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 9 विकेट गंवाकर 458 रन बना लिए हैं। आज मैच का दूसरा दिन है।